Welcome to the World United. Welcome to the World United. I appreciate this opportunity to share my experiences and views on interfaith unity. In fact, for more than 60 years, I have worked on interfaith unity. I pray God bless all of you with great wealth. But if health is not good, then what you will do with wealth? So again I pray God bless with you with lot of very good health. But after death, neither wealth nor health will of any use to you. So I again pray God further bless all of you with lots of great, very, very big spiritual satisfaction and success, so that after death also you enjoy everlasting peace and pleasure. Ilahi, Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kulu nafsin joy kutul moti summa ilayna turjun. हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा और तुम सबको लौट के मेरी तरफ आना है. जिस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, उसका नाम है जिंदगी. आप लोग आज यहाँ हो, कल हो कि न हो, जिस बात की गारंटी है, जिस बात का भरोसा है, वो है मौत. जब शमशान जाते हैं तो वैराग्य शमशान में जागता है. ये दुनिया किसी के साथ नहीं जानी है. सिर्फ जाना है तो धर्म और कर्म ही साथ में जाना है. शमशान के अंदर वैरागी उत्पन्न होता है. शमशान के अंदर जाके आत्मा और परमात्मा का विचार होता है. और शमशान के अंदर जाकर पहली बार ये एहसास होता है कि धन संपत्ति पैसा कुड़ी माल असबाब परिवार ये नहीं जाते साथ में. साथ में जाते आपके पाप और पुण्य. राजकुमार सिद्धार्थ ने जब वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, अपाहिज को देखा, मृत शरीर को देखा, तो चिंता में हो गए, दुख में हो गए. वैरागी आ गया, दुख आ गया. आत्मा और परमात्मा के विषय में सोचना शुरू कर दिया. यही तो आध्यात्मिकता की शुरुआत है. चिंता में, शोक में राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार छोड़ दिया. एकांत में चले गए, घोर तपस्या की और बाद में समाधि में चले गए. मेरे परमात्मा ने उन पर कृपा की, अपने प्रकाश से उनको नवाजा और महात्मा बुद्ध बन गए. महात्मा बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ. इंसान अशरफुल मखलूका थे. वो सब प्राणियों में बुद्धि की वजह से श्रेष्ठ है. बुद्धि से आदमी तय कर सकता क्या सही हो क्या गलत है. शैतान जहालत में पनपता है, पलता है, पोसता है. लेकिन जहां शिक्षा है, जहां बुद्धि है, वहां शैतान से मुकाबला करने की ताकत होती है. इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ. फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ. धर्म के रास्ते जो हैं, अनेक संप्रदायों ने दिए हैं, जो उन सब में कॉमन हुई तो धर्म है. नमोकार मंत्र बहुत धार्मिक मंत्र है, विलक्षण मंत्र है. सभी लोग अलग अलग ढंग से, अलग अलग रास्तों से परमात्मा तक जो उजले चेहरे पहुंचते हैं, उसका वर्णन है नमोकार मंत्र में. नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो उज्वानम, नमो लोहे सवुसाहुनम. इन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर के मूलभूत शत्रु को परास्त कर दिया और परमात्मा तक पहुंचे, उनको नमन करता हूं. जो परम सिद्ध हो गए किसी भी विषय में, जिन्होंने विशिष्टता हासिल कर ली, लोगों का भला किया, उनको नमस्कार करता हूं.
जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, जिन्होंने ज्ञान दिया है, साधना की है और लोगों को अच्छाई का रास्ता बताया है, वो भी देव योनि में जाते, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं। और सहज सरल साधु सूफी संत जो जिक्र से, सबर से और शुक्र से परमात्मा तक पहुंचते हैं, परमात्मा की दया पाते हैं, उन्हें भी नमस्कार करता हूं। बहुत आसानी से इसने अपने अलग अलग रास्ते बता दिए। सब धर्म ग्रंथों का मर्म वो धर्म है, सारे रसूलों की जिंदगी का आचरण वो धर्म है, मेरे मालिक को जो पसंद है वो धर्म है। मेरे मालिक को पसंद है दान, मेरे मालिक को पसंद है सच्चाई, मेरे मालिक को पसंद है इंसाफ, और मेरे मालिक को सबसे ज्यादा पसंद है दया। वो दुष्टों पर भी दया करते हैं। एक रसूल हुए यूनुस अलैहि सलाम, जालिमों की बस्ती में वो उपदेश लेने पहुंच गए थे, उन जालिमों ने उन्हें मारा, कूटा, पीटा, कुत्ते छोड़ दिए, पत्थर मारे, लहूलुहान करके गांव के बाहर फेंक दिया। यूनुस अलैहि सलाम कहते हैं, बद्दुआ करते हैं, या अल्लाह ये जालिम लोग है, इनको तू नेस्ता नाबूद कर दे। अल्लाह ने उस बात को नहीं माना। दुष्टों को भी मौका देते हैं जिंदगी का, आखिरी वक्त तक भी यदि वो समझ जाए, तौबा कर ले, तो अल्लाह अर्रहमान निर्रहीम है। मछली के पेट में जाना पड़ा यूनुस अलैहि सलाम को। एक डाकू था, जिंदगी भर मारा कुटी की उसने रत्नाकर, नारद जी ने उसे राम राम बोलने को कहा तो राम के बजाय वो मरा मरा बोला, और उसी शरीर में वो तर गया और वाल्मीकि बन गया, रामायण की रचना की उसने। तो परमात्मा तो परम दयालु और परम कृपालु है। तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न तजियो जब लोग हट में प्राण। जहां दया है वहां धर्म है, और प्राण जा रहे हो तब भी दया करे वो धर्म है। आपके पास एक रोटी हो, आप भूखे हैं और कोई भूखा आ गया, उसको आपने रोटी दे दी, तकलीफ के अंदर भी आपने दया बताई, वो धर्म है। ईसा अलैहि सलाम जब उनका क्रूसिफिकेशन हो रहा था, हाथ पैरों में खीले ठोक रहे थे, पूरे बदन में दर्द की लहरें उठ रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, दुआ क्या कर रहे थे, फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये करुणा, ये दया ने ईसा को परमात्मा के कितने निकट पहुंचा दिया, और उसकी ही बदौलत ईसाई मिशनरियों ने दुनिया के चप्पे चप्पों में जाकर स्कूलों अस्पतालों को खोलकर लोगों की सेवा की। ये सेवा भाव, ये करुणा, ये सबसे बड़ा मजहब है। परमात्मा दया को देखता है, परमात्मा इंसाफ को देखता है, सच्चाई को देखता है, परहेजगारी को देखता है। सारे रास्ते अच्छे रास्ते वो परमात्मा के लिए हैं। अपने अपने रास्तों से परमात्मा की तरफ जाओ, परहेजगारी करो, सच बोलो, हक की रोटी खाओ, ये धर्म के रास्ते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, संगम शरणम गच्छामि, अकेले भटक जाओगे, उलझ जाओगे ना, सब साथ में मिलकर, संप्रदाय के साथ में मिलकर, संघ के साथ में मिलकर, अपने अपने रसूलों को अपने आगे रखकर अच्छे नेक कामों को करो, बंदगी को करो, इबादत को करो, तो आप मालिक तक निश्चित आसानी से पहुंच पाओगे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजून, ऐसा इस्लाम मानता है। हम सब उसके पास से आए, उसके पास जाएंगे। एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं। महासागर से पानी भाप बनकर हवा में उड़ता है, बादल होता है और पूरी दुनिया में बरस बरस जाता है, धरती की प्यास बुझाता है, कैसी सुगंध आती है धरती से जब बरसात होती है, फल फूल सब उगते हैं, पशु पक्षी सब नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं, और पानी अपना काम पूरा करके फिर महासागर में जाने को तरस जाता है, तड़प जाता है,
और तपता है, तपस्या करने से ऊपर उठते हैं, पानी भी तपता है तो ऊपर उठता है और बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर उठता है, फिर छोटी छोटी नालियों से, नालों से होता हुआ नदी में मिलता है और नदी से जाकर नाचता गाता उछलता कूदता, अपनी स्थिति को, अपने नाम को सब मिटाता हुआ महासागर में मिल जाता है। नदियां सभी महासागर में मिलती, नदी यदि यह कहे कि सिर्फ मैं ही महासागर में जाती और दूसरी नदी नहीं जाती, असत्य नहीं, आशय पद भी है। नदियों का आपस में कोई भेद नहीं, ऐसे सभी संप्रदाय परमात्मा तक जाते हैं। कोई ये कहे कि सिर्फ एक ही मजहब परमात्मा तक जाता है, बाकी कोई नहीं जाते, असत्य भी है, हास्य पद भी है। सारे परमात्मा मेरे अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारे मजहब अल्लाह के रसूलों के बनाए हुए। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का काम मैसेंजर का काम है, मैसेज दे दिया काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ के अंदर कितनी सुराएं रसूलों के नाम पर है। खुद अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर कहते हैं, इन्नल्लाहु वमलाइकातुहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाह और फरिश्ते भी, नबी तो नबी को दरूद भेजते हैं, तुम भी भेजो। तो रसूलों को अल्लाह से अलग करके नहीं देख सकते। एक महामंत्र है, गायत्री महामंत्र, ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो दुखों को दूर करता है, सुखों को देता है, पापों को नष्ट करता है, देवताओं को देवत्व प्रदान करता है, उसे मैं अपने अंतरात्मा में धारण करता हूं और उसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बुद्धि को सीधे रास्ते पर चलाए। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, अल्लाह है वो भी प्रकाश स्वरूप है। तो ओम, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। और परमात्मा जिसको प्रकाश देता है वो देवता बनता है, वो हरि बनता है। अल्लाह जिसको अपना नूर देता है वो रसूल बनता है। तो रसूल और हरि ये पर्यायवाची शब्द है। और जब ये कहते हैं नाराय तदबीर, नाराय रिसालत या रसूलुल्लाह, उसका अर्थ होता है रसूल, हरि, अल्लाह, ओम। या रसूलुल्लाह का अर्थ होता है ओम हरि, ओम हरि, हरि हरि ओम। और जब नारा है रिसालत का लगता है नारा, तो इसका मतलब सब अपने अपने रसूलों के साथ में मजहब के लिए खड़े हो जाओ, एक दूसरे के साथ में अच्छाइयों में, परहेजगारियों में, इबादत में मुकाबला करो। अलग अलग पंथों के बीच में गलतफहमियां होती है, लड़ाइयां, झगड़ा होता है, ये सब शैतान करता है। इसके फैसले के लिए अल्लाह ने सूरे काफिरुन उतारा है। सूरे काफिरुन कहता है कि रसूल कह दो उन काफिरों से, जिसे तुम पूछते हो उसे मैं नहीं पूछता, जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी इबादत तुम नहीं करते, तुम जिसको पूछते हो उसे पूछने वाला मैं नहीं हूं, तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए हो, मेरा मजहब मेरे लिए। कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन किस मजहब को करता है। तय करना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने किसी को यह हक नहीं दिया कि वो तय करे कि कौन मोमिन है और कौन काफिर है। किसी को सजा देने का हक नहीं है। तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए हो, मेरा मजहब मेरे लिए। अल्लाह है वो सबसे श्रेष्ठ है। नारायण तदबीर अल्लाह हो अकबर है। तदबीर का मतलब होता है एक होना। तदबीर का मतलब होता है लाइनों में लगना। तदबीर का भावार्थ होता है तकदीर बनाना, कल्याण करना और कामयाब होना। तो कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए सभी संप्रदायों को एक होना पड़ेगा परमात्मा के नाम पर। परमात्मा है वो सर्वश्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय कहता है कि अल्लाह के आगे मैं सिर झुकाता हूं, जो सबका भला करने वाला है, जो भला करता है वो बड़ा बनता है
और जो सबका भला करता है वो सबसे बड़ा बनता है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो सब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। एक फकीर ने ये कहकर कि सबका मालिक एक, अल्लाह की रहमतें हासिल कर ली, ये जो भी परमात्मा है वो सच्चा है, वो पाक है, वो जन्म मृत्यु से परे है, अकाल है, जो बोले सो निहाल सत से अकाल, और किसी का नहीं, मेरी अल्लाह का गुणगान है। यदि अल्लाह की बातें अपन समझ लेंगे, अल्लाह के आगे झुकेंगे, तो हमारे सारी गलत फहमियां दूर हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, और हम सब भाईचारे से हाथ मिलाकर अपन आगे बढ़ पाएंगे। एक बहुत अच्छी सुरा है इस टाइम में, इस युग में वो एप्लीकेबल है, सूरे अलिफ लाम मीम। वो कहती है कि निसंदेह कुरान इलाही किताब है, ये परहेजगारों के लिए रहनुमाई करती है। परहेजगार कौन है जो गैब पर भरोसा करते हैं? परहेजगार कौन है जो मेहनत से कसरत से नमाज पढ़ते हैं, मेरी दीवी रिजक को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और इस इलाही ग्रंथ किताब को और इससे पहले जितनी इलाही किताबें आई है उनको और आखिरत के दिन को भरोसा करते हैं, वो सब सतपंथ पर है, वो ही मुराद पाने वाले हैं। तो इसमें इस इलाही ग्रंथ पे भरोसा करें, इससे पहले जो इलाही ग्रंथ आए उस पे भरोसा करें, यानी इस रसूल पे भरोसा करें, इससे पहले जो रसूल आए उन पे भरोसा करें। इसका मतलब सीधा सच्चा है कि इस दिन पर और दूसरे दिनों पर भरोसा करें, सभी मजहबों को साथ में लेकर चले, सब संप्रदायों के बीच में एकता करें, वो परमात्मा तक जाने का सबसे सीधा रास्ता है। विभिन्न संप्रदायों के बीच में एकता, वो सबसे बड़ी बड़ी आध्यात्मिकता है, और इसलिए सभी संप्रदाय के अनुयायियों के बीच में भाईचारा होना, सबको साथ में आना परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। आज पूरी दुनिया में तकलीफें परेशानियां बहुत ज्यादा हो गई है, बिजलियां कड़क रही है, धरती फट रही है, जंगल जल रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, आतंकवाद और साम्राज्यवाद ने दुनिया के अंदर शांति ही नहीं, दुनिया के अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया है। आओ हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें, अल्लाह तू जलालो है, तू जब्बारो है, तेरा कहर पूरी दुनिया ने देख लिया, पर तू अर रहमान निर्रहीम भी तो है, तेरी सब मखलूक के ऊपर रहम कर, या अल्लाह हमारे सबके गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह हमारी बीमारी बला आफत दूर कर दे, या अल्लाह हम सबके जान और माल की हिफाजत कर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।